हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। आज की वीडियो में हम प्लस वन एनसीईआरटी मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, टू शिप्स लीव एयरपोर्ट एट द सेम टाइम। दो शिप हैं, एक एयरपोर्ट को जो पोर्ट है वो उसको सेम टाइम पर लीव करते हैं। वन गोज 24 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। अब इसका मीनिंग बताता हूँ मैं क्या होता है। एंड जो अदर हैं ट्रेवल्स 32 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ 75 डिग्री ईस्ट। इसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। अब सबसे पहले तो एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि जब भी आपको डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में हो, या कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो आप, यानी कि 9th to 12th हो गया, या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर कहीं भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको जो डायरेक्शन लेनी होती है वो इस तरीके से लेते हो। अब टोटल 4 ही डायरेक्शन का यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ से देखिए, जो राइट हैंड है, राइट हैंड की साइड आप क्या लोगे, ईस्ट डायरेक्शन। जो लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ वेस्ट डायरेक्शन। जो ऊपर हैं वो नॉर्थ और जो नीचे हैं वो साउथ। यानी कि हर एक डायरेक्शन इस तरीके से लेनी होती है। और ये जो एंगल होते हैं, यानी कि 90 डिग्री होते हैं, एक दूसरे को कट करती है। अब उसके बाद बोल रहे हैं, जो पहला शिप है वन गोज 24 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ से 45 डिग्री किसकी ओर, ईस्ट की तरफ। यानी कि नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट की ओर। तो यहाँ से लेट सपोज ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको हम ओ मान लेते हैं, ओरिजिन, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हो रहे हूँ। तो ये इस डायरेक्शन में जाता है अभी, ठीक है, यानी कि नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट की ओर, इस तरीके से। अब दूसरा है, जो सेकंड है, साउथ से 75 डिग्री किसकी ओर, ईस्ट की ओर। साउथ से 75 डिग्री ईस्ट की ओर, यानी कि इस तरीके से जाता है। तो ये एंगल हमारा कितना है, 75 डिग्री, ये हमें गिवन है। तो उसके बाद जो इनके एंड पॉइंट्स हैं, इनको मिला लेते हैं हम। लेट सपोज ये हो गया, अब इनको भी कुछ ना कुछ नेमिंग देते हैं। लेट सपोज ये ए और लेट सपोज ये बी होगा, इस तरीके से। तो ये हमें गिवन है। उसके बाद देखिए, टोटल टाइम 3 आवर्स गिवन है। तो यहां से आप लिखोगे टोटल टाइम कितना है, 3 आवर्स। अब टोटल टाइम 3 आवर्स है। ओ ए क्या था, यानी कि यहां पे फर्स्ट शिप के लिए लिया था हमने, ये फर्स्ट शिप। यहां क्या था, सेकंड शिप की डिस्टेंस। अब सेकंड शिप के जो पाथ है वो ओ से बी है, फर्स्ट शिप का जो पाथ है वो ओ से ए की तरफ जा रहे हैं। तो यहां से देखिए, स्पीड ऑफ फर्स्ट शिप, जो पहले शिप की स्पीड है वो कितनी गिवन है, 24 किलोमीटर पर आवर। देन द डिस्टेंस, यानी कि हमें डिस्टेंस निकालनी है, ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट शिप। पहले शिप ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यानी कि 24 इंटू 3 करोगे तो 72 किलोमीटर। उसके बाद डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस से पहले स्पीड लिख लीजिए, स्पीड ऑफ सेकंड शिप, यानी कि जो सेकंड शिप की स्पीड हमें गिवन है वो कितनी है, 32 किलोमीटर पर आवर। देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड शिप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड इंटू टाइम 3, तो मल्टीप्लाई की 96 किलोमीटर। अब ये जो सेकंड शिप ने डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसका मीनिंग, सेकंड शिप क्या है, ये ओ से बी पाथ की तरफ जा रहा है, तो ओ बी की डिस्टेंस कितनी हुई, 96 किलोमीटर। एंड जो फर्स्ट शिप था उसका पाथ क्या था, ओ से ए की डिस्टेंस कितनी है, 72 किलोमीटर। अब उसके बाद देखिए, यहाँ ही मैं लिख देता हूँ, जो एंगल है NOS, जो एंगल NOS है वो 180 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल बनता है। इसको तीन एंगल में डिवाइड कर लेते हैं, NOA, एंगल NOA प्लस, यहाँ से एंगल आया SOB, एंगल SOB प्लस। अब थर्ड एंगल ये जो कंप्लीट है, ये ट्रायंगल के अंदर आपको दिख रहा है, ये कंप्लीट एंगल, यानी कि AOB, एंगल
ए ओ बी यानी कि सम कितना होगा 180। तो यहाँ से देखिए एन ओ ए की वैल्यू कितनी गिवन है 45 डिग्रीज, प्लस एस ओ बी की वैल्यू कितनी गिवन है 75 डिग्रीज, प्लस एंगल ए ओ बी वैल्यू कितनी होगी 180। तो दोनों को ऐड करोगे 70 और 40 110 और 5 5 10 यानी कि 120 हो गया। तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या आई 120 को माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 60 डिग्री। तो ये जो अंदर वाला एंगल है ये कितना होगा कंप्लीट 60 डिग्री होगा इस तरीके से 60 डिग्रीज। अब उसके बाद देखिए एंगल हमारे पास है और दोनों साइड्स हैं। अब लिखेंगे बाय कोसाइन फॉर्मूला, बाय कोसाइन फॉर्मूला। अब ये कोसाइन फॉर्मूला होता क्या है अगर आपने देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, वहाँ क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको इसका कंप्लीट प्रूफ मिलेगा कि होता क्या है। या फिर यहाँ आई बटन आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप क्लिक करके उसकी वीडियो देख सकते हैं। बाय कोसाइन फॉर्मूला ये कौन सा एंगल है ए ओ बी, यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ कोस ऑफ एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होगा ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 ओ ए इंटू में ओ बी होता है। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर लेट सपोज ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, मैं आपको बता देता हूँ ए बी सी, एंगल ए के अपोजिट वाली साइड को ए यूनिट लेना है, एंगल बी के अपोजिट वाली साइड को बी यूनिट लेना है, इस तरीके से एंगल सी के अपोजिट वाली साइड को सी यूनिट लेना है। तो जो कोस मान लिया ये जैसे कोस बी है तो मैं कोस बी को क्या लिख सकता हूँ यानी कि ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2ac, इस तरीके से ही होता है कोसाइन फॉर्मूला। तो इसके हेल्प से हम लिख सकते हैं। अब देखिए ओ ए का होल स्क्वेयर, ओ ए का होल स्क्वेयर, ओ ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से हमने निकाली थी 96 किलोमीटर, तो यहाँ 96 का होल स्क्वेयर हो गया, और सॉरी ओ ए 72 है तो पहले 72 लिख लीजिए इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस 96 का होल स्क्वेयर माइनस ए बी का होल स्क्वेयर अपॉन 2 × 72 × 96। और कोस एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या है 60 डिग्रीज। तो कोस 60 कितना होता है 1/2 = 72 का अगर आप स्क्वेयर करोगे तो वो आएगा 5184, प्लस 96 का आप स्क्वेयर करोगे तो वैल्यू आएगी यहाँ से आप लिख सकते हैं 96 का जो होल स्क्वायर होता है 9216 माइनस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन, अब 72 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है और 96 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 13824, ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ 1/2 = जब इन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 14400 माइनस ए बी का होल स्क्वायर अपॉन, जब नीचे आपने मल्टीप्लाई की थी कितना आया 13824। अब इसको मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो ये हो गया 13824 अपॉन 2 = 14400 माइनस ए बी का होल स्क्वायर, डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 6912 = 14400 माइनस ए बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब ए बी का होल स्क्वायर निकालोगे इस साइड प्लस में लेके आओगे उसको माइनस में लेके जाओगे 14400 में से माइनस करोगे 6912 को तो वैल्यू आएगी आपकी 7488। अब यहाँ ए बी का स्क्वायर है राइट साइड में क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो 7488 का जब आप अंडर रूट निकालते हैं तो वैल्यू आती है 86.53 किलोमीटर अप्रोक्स, क्योंकि डिस्टेंस किस में है किलोमीटर में, तो लगभग 86.5 भी लिख सकते हैं आप इसको, तो 86.53 किलोमीटर है जो इन दोनों के बीच की क्या होगी डिस्टेंस ए बी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो टोटली डिपेंडेंट हैं कोसाइन फॉर्मूले पे। अगर कोसाइन फॉर्मूला आपको पता है तो अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे, अगर कोसाइन फॉर्मूला फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो वीडियो देख लीजिए।